हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाली हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से एक न्यू प्रेस नोट जारी कर दिया गया है। तो उस प्रेस नोट में कंप्लीट जानकारी उन्होंने बताई है कि GDS के बहुत दिनों से जो एक मांग थी वो अभी पूरी कर दी गई है। तो गाइस, वो कौन सी मांग थी और उसके वजह से GDS के कैंडिडेट्स के सैलरी के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। सो गाइस, जैसे कि ये कंप्लीट प्रेस नोट है, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो ये प्रेस नोट जो है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से जारी कराया गया है। तो इसमें सब्जेक्ट में उन्होंने बताया है कि ग्रांट ऑफ कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस टू ब्रांच पोस्ट मास्टर BPMs वर्किंग एट सिंगल हैंडेड ब्रांच पोस्ट ऑफिसेस रिगार्डिंग। तो गाइस, यहाँ पर उन्होंने बताया है कि ऐसे ब्रांच पोस्ट मास्टर जो सिंगल हैंडेडली वर्क करते हैं ब्रांच पोस्ट ऑफिसेस में, तो उन्हें जो है कंबाइंड ड्यूटी देने के लिए अभी ग्रांट दे दी गई है। यानी कि उनकी जो ये एक मांग थी वो पूरी कर दी गई है। तो गाइस, ये ब्रांच पोस्ट ऑफिसेस जहां पर सिंगल हैंडेडली वर्क करना पड़ता है, इसका क्या मतलब है, यानी कि ये क्या होता है? ब्रांच पोस्ट मास्टर्स जो होते हैं वो ऐसे ब्रांच पोस्ट ऑफिसेस में काम करते हैं जहां पर कम लोग आते हैं, यानी कि बहुत ही ज्यादा कम रश होती है। इसकी वजह से जो है वहां पर कोई भी मेल कैरियर या फिर मेल डिलीवर नहीं रखा जाता है, सिर्फ और सिर्फ ब्रांच पोस्ट मास्टर को ही रखा जाता है। और जो भी वहां का वर्क होता है वो कंप्लीट वर्क BPM को ही संभालना पड़ता है, क्योंकि गाइस वहां पर कोई भी MC या फिर MD नहीं होते हैं। इसीलिए जो है ऐसे ब्रांच पोस्ट ऑफिसेस होते हैं जहां पर BPM को ही वर्क करना पड़ता है, तो उन्हें जो है कंबाइंड ड्यूटी करनी पड़ती है। यानी कि मेल डिलीवर का भी काम करना पड़ता है और मेल कैरियर का भी काम करना पड़ता है और खुद ब्रांच पोस्ट मास्टर का भी काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें उनकी ड्यूटी में कंबाइंड ड्यूटी करनी पड़ती है। तो इसीलिए गाइस ऐसे कंबाइंड ड्यूटी वाले ब्रांच पोस्ट मास्टर को उन्हें कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस मिलना चाहिए। इसलिए एक प्रपोजल जो है डिपार्टमेंट ने फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ भेजा था, जिसकी वजह से अभी उस प्रपोजल का आंसर तो आ चुका है, लेकिन ये प्रपोजल जो है वो 1 जुलाई 2018 में भेजा गया था और तब से लेकर अब तक इसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं आया था। सिर्फ और सिर्फ इतना बताया जा रहा था कि आपकी जो फाइल है वो आगे भेज दी गई है और जल्द ही आपको अपडेट मिल जाएगा, लेकिन अपडेट नहीं आ रहा था। लेकिन फाइनली गाइस, आपको अभी जो है इसका आंसर मिल चुका है और आपका जो ये कंप्लीट प्रपोजल था वो ग्रांट कर लिया गया है। तो गाइस, ये जो कंप्लीट अलाउंस है ये आपको अभी आपके सैलरी के साथ मिलने वाला है। तो हो सकता है कि इसमें जो है आपको एरियर भी मिल जाए, क्योंकि ये जो प्रपोजल था वो 1 जुलाई 2018 में भेजा गया था, इसके लिए तब से लेकर अब तक का जो एरियर होता है वो भी आपको दिया जा सकता है। तो गाइस, ये तो कंप्लीट आपको जानकारी मिल गई है कि कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस आपको मिल जाएगा, लेकिन कितना मिलेगा उसके बारे में भी उन्होंने यहाँ पर नीचे जानकारी बताई है। तो सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर कहा है कि BPM यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर जो सिंगल हैंडेडली वर्क कर रहे हैं ब्रांच पोस्ट ऑफिसेस में, तो वो अगर मेल डिलीवरी करते हैं तो, या फिर वो मेल कन्वेंस करते हैं, यानी कि BPM का काम संभालते संभालते अगर वो मेल डिलीवरी भी कर रहे हैं या फिर मेल डिलीवरी को छोड़कर वो मेल कन्वेंस कर रहे हैं, यानी कि इन दोनों में से कोई भी एक काम कर रहे हैं, तो उन्हें जो है पर मंथ के 1,170 रुपीज मिलेंगे। और अगर गाइज वो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि अगर ऐसे ब्रांच पोस्ट मास्टर्स जो मेल डिलीवरी भी करते हैं और उसी के साथ वो मेल कन्वेंस भी करते हैं, यानी कि ये दोनों ही वर्क वो साथ में कर रहे हैं और BPM का भी काम कर रहे हैं, यानी कि कंबाइन 3 वर्क्स वो कर रहे हैं, तो ऐसे BPM को कंप्लीट 2,340 रुपीज पर मंथ के मिलने वाले हैं। तो गाइस, ये बहुत ही अच्छा मौका है उन कैंडिडेट्स के लिए जो सिंगल हैंडेड वर्क कर रहे हैं और कंबाइंड ड्यूटी कर रहे हैं उन कैंडिडेट के लिए, तो उन्हें जो है गाइस उनके सैलरी के साथ इतने पेमेंट जो है CDA के अनुरूप भी मिलने वाली है, क्योंकि उनकी जो सैलरी होती है वो कम्प्लीटली TRCA पर बेस्ड होती है, यानी कि वर्किंग आवर्स पर, जितने वर्किंग आवर्स उन्हें मिलते हैं उनके साथ ही, और उनके साथ उस सैलरी के साथ आपको अभी CDA भी मिलने वाला है, यानी कि आपके जो कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस होता है वो भी अभी ग्रांट कर दिया गया है, जिसकी वजह से आपकी पेमेंट में अच्छी खासी बढ़ोतरी होने वाली है। तो गाइस, ये सिर्फ और सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए था जो कैंडिडेट्स जो ब्रांच पोस्ट मास्टर्स वर्क कर रहे हैं सिंगल हैंडेडली ब्रांच पोस्ट ऑफिसेस में। सो गाइस, आई होप कि आप सभी कैंडिडेट्स को इसके बारे में कंप्लीट जानकारी मिल गई है। तो उसी के साथ गाइस, अगर आपको जानना है कि GDS को अदर कितने अलाउंस मिलते हैं उनके सैलरी को छोड़कर, तो आप कंप्लीटली
सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर गवर्नमेंट जॉब्स GDS अदर अलावेंसेस को, और अगर आप सर्च करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से कंप्लीट वीडियोस आ जाएंगे। तो आप हमारे ये वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं, इसमें आपको कंप्लीट डिटेल में जानकारी मिल जाएगी कि कौन कौन से अदर अलावेंस जो है GDS के कैंडिडेट्स को दिए जाते हैं उनके सैलरी के साथ साथ। तो अगर आपको ये कंप्लीट अदर अलावेंसेस मिलते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलते हैं तो आप रिटर्न में डिपार्टमेंट को भेज सकते हैं। तो कंप्लीट वीडियो देख लीजिएगा, आपके लिए सभी वीडियो जो है बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। सो गाइज, आई होप कि आपको इस प्रेस नोट के बारे में कंप्लीट जानकारी मिल गई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही न्यू अपडेटेड कंटेंट्स के लिए। थैंक यू ऑल। पूछा गया था एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड, तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं।